हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, और इसकी दो कैपिटल है। पहली है विंटर कैपिटल कारगिल और दूसरी है समर कैपिटल लेह। और फिलहाल मैं लेह में ही खड़ा हूं। फिलहाल मैं पंगोंग लेक पर खड़ा हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी प्लेसेस यहां की घुमाने वाला हूं। पंगोंग लेक ले चलूंगा, नुब्रा वैली ले चलूंगा, लेह सिटी घुमाऊंगा और यहां के खर्चे बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, साथ ही साथ आपको पैकेज की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा और बाइक से भी मैं यहां पर ट्रिप करने वाला हूं। तो बहुत ही डिटेल में इसमें इन्फॉर्मेशन होगी, जिससे यहां पर अगर आप आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैंपिंग भी मैं करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए लद्दाख। लेह के लिए जिस टेम्पो ट्रैवलर के थ्रू मैं जाने वाला हूँ वो ये रही, और ये कहाँ से मिलती है वो भी मैं बताता हूँ। फिलहाल आपको दिखा देता हूँ ये टेम्पो ट्रैवलर होती कैसे है। इसके अंदर अगर जाएंगे तो सीट्स आप काउंट कर लो कितनी सीट्स हैं, और पीछे अभी फ़िलहाल खाली है इसलिए लगेज रखा है, अदरवाइज़ पीछे की सीट्स पर भी बैठना होता है। और फिलहाल खाली है तो नहीं बैठा है कोई, तो आप प्रेफर करें कि पहले से बुक कराएं। सीट नंबर पहले से बुक हो जाती है। कहाँ से बुक होती है वो ये जगह है। ये मनाली का मॉल रोड ही है और यहाँ पर आपको ओनर्स एसोसिएशन टेम्पो ट्रैवलर का ये ऑफिस मिलेगा। ये आप एक दिन पहले दो दिन पहले ही बुक करवा लें। और बाकी क्या प्राइस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। इसकी टाइमिंग क्या होती है वो भी बता देता हूँ। वो लगभग 5:30 बजे यहाँ से डिपार्ट का टाइम बोलते हैं, लेकिन अभी 6 बज चुके हैं, अभी तक तो चली नहीं है। तो कब तक पहुँचते हैं, रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या खर्चे होते हैं और भी क्या क्या जानकारी है, पूरी डिटेल आपको विस्तारपूर्वक आगे पता चलेगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। अक्सर लोग लेह लद्दाख का नाम साथ लेते हैं, लेकिन लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर लेह सिटी पड़ती है। लेह तक पहुंचने के दो ही माध्यम है। पहला फ्लाइट, जो केवल दिल्ली और श्रीनगर से चलती है। दिल्ली से लेह का फ्लाइट का फेयर कम से कम 5500 रुपए का वन वे का लग सकता है, जबकि श्रीनगर से 4000 रुपए तक। दूसरा माध्यम है रोड का, और यहाँ पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला श्रीनगर से, दूसरा मनाली से, और मैं मनाली से जाऊँ। अपनी ट्रिप स्टार्ट हो गई है और बस में सभी लोग बैठ गए। बस क्या टेम्पो ट्रैवलर है और इसमें इंडियंस केवल मैं हूँ और एक और है, और बाकी रशियन भी है यहाँ पे, जैपनीज भी हैं, कोरियन भी हैं, मतलब पूरा फॉरेन यहाँ पे बैठा हुआ है और सभी लद्दाख जा रहे हैं। और कुछ ये रहा सीन। हेलो, कोनिचिमा। श्रीनगर से लेह की दूरी लगभग 440 किलोमीटर है, जबकि मनाली से लेह की दूरी लगभग 430 किलोमीटर है। दोनों ही जगह से आपको 12 से 15 घंटे पहुंचने में लग सकते हैं, इसलिए आप सुबह 6 बजे तक निकल जाएं। लेह के लिए दिल्ली के कश्मीरी गेट और मनाली से लगभग 70 किलोमीटर दूर केलोंग से बस भी चलती है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलती, और दिल्ली से चलने वाली बस आपको 2 दिन में लेह तक पहुंचाती है, जिसका किराया लगभग 1700 रुपए होता है, और ये ऑर्डिनरी बस होती है, लेकिन केलोंग से चलने वाली बस अभी चल रही है। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद गाड़ी रुकी है अपनी, और थोड़ी सी नींद भी ले ली, थोड़ा सा भारी भी होता है। बेसिकली ये है दारचा, बेड्स वगैरह कुछ इस तरह से हैं। भैया कितने के देते हैं ये लोग? 300 के। और वॉशरूम वगैरह कहाँ होता है? उधर ही ऐसे ही टेम्परेरी बना हुआ है, तो 300 में कुछ इस तरह का मिलता है। ब्लैंकेट वगैरह मिल जाते हैं और मैट वगैरह, मैट्रेस होती है। मनाली के रूट से आप अटल टनल, सिसु, केलोंग, जिस्पा, बारालाचाला, सरचू, पांग और मीरू होते हुए लेह पहुंचते हैं, जबकि श्रीनगर के रूट से आप सोनमर्ग, द्रास, कारगिल, लामायुरू,
खलसी निम्मू होते हुए लेह तक पहुंचते हैं। फिलहाल जो सीन चल रहा है वो किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे बर्फ यहाँ पे पूरा दूर दूर तक फैली हुई है, और ये अगर आप देखोगे काटी गई है बर्फ को और फिर रोड को पूरा क्लियर किया गया है, क्योंकि बर्फबारी होती रहती है। बंद रहता है ये मतलब साल के जो विंटर के सीज़न होते हैं, और 4 से 5 महीने ही ओपन होता है ये रूट। पर जब ओपन होता है तो कुछ ऐसा ही होता है, आप सोचो जब ये क्लोज रहता होगा तो पूरा बर्फ में दम ही नहाया होता होगा, क्योंकि अभी ये हाल है इस टाइम जून का, ये फर्स्ट वीक चल रहा है। मनाली से लेह के इस रास्ते पर आपको स्टे ऑप्शंस केलोंग और जिस्पा में ही सबसे ज्यादा मिलते हैं, जबकि सरचू में भी टेंट्स के थोड़े बहुत ऑप्शंस होते हैं, और रास्ते में पड़ने वाले आप कुछ ढाबों पर भी रोक सकते हैं। लेकिन आप अगर बाइक से हैं तो डायरेक्ट सेम डे सरचू में रुकना अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको AMS यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले मनाली से जिस्पा रुकें और फिर अगले दिन जिस्पा से लेह जाएं। कार या ट्रैवलर या फ्लाइट में आप सेम डे लेह पहुंच जाते हैं, और इस सिचुएशन में आप लेह पहुंच के एक दिन बॉडी को क्लाइमेट के अनुसार एडजस्ट होने दें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल यहां पर कम होता है। ऑक्सीजन लेवल ठीक रखने के लिए आप 2-3 दिन पहले से डायमॉक्स की टैबलेट लेते रहें, हालांकि इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मैगी 60, वेज मैगी 60, प्लेन मैगी 50। खाने में कुछ मतलब दाल चावल बन जाएगा ना राजमा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितने का? ज्यादा 150। आप लोग स्टे भी प्रोवाइड करते हैं? कितने में रहता है? 200 में होता है पर पर्सन। यहाँ पे स्टे आप 200 में कर सकते हैं। राजमा देखेंगे आगे, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे तो कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बढ़िया होगा होटल या फिर कुछ भी। होम स्टे यहाँ पे यही है और इसी के भरोसे आपको रहना पड़ेगा। वॉशरूम भी आपका कुछ नॉर्मल सा ही होगा। मनाली से लेह के रूट पर फिलहाल सरचू से पांग का 80 किलोमीटर का रास्ता काफी खराब है और ट्रैफिक भी लगता है, और इस पर होने वाले एक्सीडेंट्स को देखते हुए मैं आपको फ्लाइट से जाना ही प्रेफर करूंगा। हालांकि ये रास्ते आने वाले समय में बन जाएंगे। पांग के बाद ये रास्ता बिल्कुल प्लेन रहता है जो तांगलांगला पास तक है, जो कि 17,482 फीट की ऊंचाई पर है, जिसे क्रॉस करके आप शाम या रात तक लेह तक पहुंच जाते हैं। लगभग 17 से 18 घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली लेह में मैं पहुंच गया हूं। रात के 11 बजे सुबह 5:30 बजे के आसपास निकला था, हालांकि 7 बजे स्टार्ट हुई थी बस, और लंबी जर्नी ज़रूर थी बट एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि ऐसी ट्रिप में मालूम था कि इतना टाइम आगे पीछे हो सकता है। बाय द वे पहुँच गए हैं सुरक्षित, ये बहुत बड़ी बात है, और अब होटल ढूंढेंगे। बाकी पहुँचते हैं होटल पे और कल मिलते हैं, क्योंकि अब पहले होटल ढूंढेंगे और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह हो गई है और मेरी सुबह हुई है लगभग 2:00 PM। रेडी हो गया हूँ, रात को काफ़ी लेट हो गया था जैसा कि आपने देखा ही, 11 बज गए थे, और उसके बाद होटल यहाँ पर कुछ प्रॉपर मुझे मिल नहीं रहे थे, पसंद के भी नहीं मिल रहे थे। तो मैंने अपने जिनसे पैकेज वगैरह पहले लिया था ट्रिप्टो.इन से, उनको कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने अरेंज करा दिया, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ये होटल की, यहाँ पर तो बाहर बालकनी है। बाकी होटल का रूम भी मैं आगे आपको दिखा दूँगा। फिलहाल आज निकल रहे हैं आगे, यहाँ पर कुछ प्लेसेस कवर करने, लोकली कवर करेंगे। कहते हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर ले में आते हैं तो एक दिन बॉडी को एक्लमटाइज होना चाहिए, और तो वहीं कर रहे हैं, थोड़ा रुके हुए हैं एक दिन यहाँ, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। बाकी जिनसे होटल मैंने बुक किया था उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर होटल वगैरह और पैकेज भी ले सकते हैं। बाकी चलते हैं, देखते हैं कैसा है लेह। लद्दाख में लद्दाखी लैंग्वेज चलती है, लेकिन हिंदी यहाँ सभी जानते हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3 लाख है, और लेह की ऑफिशियल वेबसाइट leh.nic.in के अनुसार यहाँ 77% बुद्धिस्ट, 14-15% मुस्लिम्स और 8-9% हिंदू रहते हैं। लद्दाख घूमने के लिए फिलहाल पैकेज लेना बेटर ऑप्शन है, जिसकी वजह है यहाँ के खराब और रिस्की रास्ते, पल पल बदलता हुआ मौसम, कम ऑक्सीजन लेवल, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बाइक से ट्रिप करते हैं तो बैकअप का ना होना,
दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप या बाइक या कार रिपेयर शॉप का ना होना। इसलिए फैमिली या कंफर्ट के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो पैकेज लें, और पैकेज आप eTripto.in से ले सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है। लेह में घूमने का जो एक ब्रांड बन चुका है वो होता है रॉयल इनफील्ड से घूमना, इसीलिए सब इससे घूमना पसंद करते हैं। बाय द वे, मैं अभी जा रहा हूँ संगम के लिए, और लगभग 40 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। और ऑन द वे भी कुछ चीज़ें पड़ती हैं, वो भी देखेंगे। फिलहाल जो आप व्यूज़ देखो यहाँ पर, वो मैंने मूवी देखी थी भाग मिल्खा भाग, तो उसमें कुछ सीन यहाँ के थे, वो याद आ रहा है मुझे कि वैसे ही वहाँ पे वो जो टायर खींचते हैं फरहान अख्तर, वैसे ही कुछ वहाँ पे सीन है। और मतलब वो रेत वाले जैसे पहाड़ होते हैं ना, मिट्टी अगर आप देखोगे, सूखी मिट्टी एकदम हर जगह दूर दूर दिखाई देगी। और ये जो मकान भी आप देखोगे, मकान के पत्थर भी हमारी तरह यहाँ के जैसे लाल वाले नहीं होते, यहाँ पे ब्राउन ब्राउन आपको दिखेंगे। तो आगे वीडियो में बहुत सी चीज़ देखने को मिलेगा, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अभी तो चलते हैं संगम की तरफ। लद्दाख में आपका प्रीपेड सिम कार्ड वर्क नहीं करता है, इसलिए यहाँ आपको नया सिम कार्ड लेना पड़ सकता है, जो कि 200 से 300 रुपए में मिल जाता है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम कार्ड है तो वो यहाँ पर वर्क करता है। वहीं मनाली से लेह तक के पूरे रास्ते पर नेटवर्क जिस्पा तक रुक रुक कर आता है, उसके बाद सरछू में आता है, और फिर हिमाचल बॉर्डर क्रॉस करते ही आपका नेटवर्क पूरी तरह से चला जाता है। अभी तक तो ठंड लग नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर हवा चल रही है, और मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ के पत्थर साहिब गुरुद्वारा पर। ये पूरा पार्किंग का यहाँ पर एरिया है, और जो गुरुद्वारा है वो वहाँ पर है। चलेंगे गुरुद्वारा भी और देखते हैं कैसा है गुरुद्वारा। अंदर कैमरे का मुझे पता नहीं है, अभी चलते हैं, लेट्स सी। पत्थर साहिब गुरुद्वारे में वो पत्थर रखा है जिसकी कहानी बड़ी ही रोचक है, और यहाँ मत्था टेकने के बाद आप लंगर भी चख सकते हैं, और 2 मिनट की चढ़ाई करके आप उस तप स्थान पर भी पहुंच सकते हैं जहां गुरु नानक देव जी ने तप किया था। मुझे आज भी याद है अपनी पहली जर्नी नैनीताल की, जब मैं सबसे पहले गया था वहाँ नैना देवी टेम्पल पर। और आज मैं हूँ लद्दाख में लेह में, और यहाँ पर मैं अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ पत्थर साहिब गुरुद्वारे से। सो भगवान कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेके यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए, सो कुछ लेह में इसी तरह से मेरी शुरुआत हो रही है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लेह से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए गुरुद्वारा पत्थर साहिब का इतिहास भी काफ़ी पुराना है, और यहाँ का इतिहास कुछ इस प्रकार से है कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर 1517 ईस्वी में श्रीनगर से लेह की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस टाइम यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक राक्षस का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप है, वो लोगों को मार कर खा जाता है। तो गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर अपना आसन लगाया और परमात्मा में बस लीन हो गए। फिर क्या हुआ कि जो राक्षस था उसको लगा कि इनकी वजह से प्रॉब्लम होगी, तो राक्षस ने गुरु नानक देव जी को मारने का प्रयास किया और एक प्लान बनाया। गुरु नानक जी जो कि परमात्मा में लीन थे नदी के किनारे, वहाँ पर उस राक्षस ने उनके ऊपर एक पत्थर फेंका, पत्थर उनकी तरफ गया, करीब पहुँचा, और उसके बाद वो पत्थर मोम बन गया। ऐसा लगा राक्षस को कि गुरु नानक देव जी नहीं रहे, लेकिन जब वो करीब गया तो देखा कि वो अभी भी ठीक है। तो फिर उसके बाद उसने फिर से एक बार मारने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और उसका पैर खुद का हाथ मोम का हो गया, मतलब उस पत्थर में ही धंस गया। इस तरह से ऐसा देखा तो राक्षस को लगा कि भाई ये तो भगवान के भक्त हैं, और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने गुरु नानक देव जी से क्षमा याचना की, माफ़ी मांगी, तो गुरु नानक देव जी ने उसको अपना भक्त बना लिया, और फिर उसके बाद वो राक्षस सुखी जीवन यहाँ पे ही वो भी बिताने लगा। तो इस तरह से कुछ कहानी है यहाँ की, और वही जो पत्थर है वो यहाँ पर है, और उसी को पूजा जाता है, उसी के दर्शन के लिए लोग आते हैं, और तब से यहाँ पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब बना हुआ है। इसके बाद आप यहां से संगम की तरफ बढ़ सकते हैं, और इस रास्ते पे कहीं आपको हरियाली दिखेगी तो कहीं बिल्कुल रेतीले मटमैले पहाड़, लेकिन इन सब के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री में मिल जाती है ये शानदार रोड, जिससे आपकी जर्नी और भी लाजवाब हो जाती है। संगम पर मैं आ चुका हूं, और कोई मुझसे अगर पूछेगा कि संगम पर है क्या, तो मैं आपको बता देता हूं संगम पर क्या है। संगम पर यहाँ पर दो नदियों का मिलन है, पहला इधर से ये जो रिवर आ रही है ये इंडस रिवर है, और इधर से ये जो रिवर आ रही है ये संस्कार रिवर है, और दोनों मिलके ये आगे बढ़ रही है।
लेकिन इसके साथ ही संगम पर सुकून भी है। यहाँ पर मतलब बिल्कुल शांति है और व्यू को बस आप निहारिए, सनसेट का व्यू देखिए। यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है और मतलब यहाँ आने की जो रोड है ना वो तो बहुत ही लाजवाब है। मतलब मैं जब लेह या लद्दाख की मैं भी पिक्चर्स वगैरह देखता था तो मुझे लगता था कि भाई बाइक राइड क्यों करते हैं, ऐसा क्या है भाई, यहाँ पे रोड पर चलना ही फीलिंग है एक, तो वो आप जो बाइक चलाओगे तो आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा। बाकी व्यू देखो आप, दूर मुझे एक ब्रिज भी दिख रहा है अभी। और लगभग आधे से एक किलोमीटर ड्राइव करके मैं इस ब्रिज पर पहुंच गया जहां कोई नहीं था। अपनी बाइक को खड़ी कर दी है मैंने यहाँ पर ब्रिज पर और ब्रिज पर कोई नहीं है। जब आप संगम पर आते हैं, संगम से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये पीछे आपको रिवर दिखेगी, इंडस रिवर है और ये बढ़िया सा ब्रिज है जिस पर कोई भी नहीं है और यहाँ खूब सारी आप फोटोज जरूर क्लिक करवाना, बहुत मजा आएगा। यहाँ से मैं वापस ले सिटी की तरफ बढ़ा तो लेकिन 6 किलोमीटर पहले ही मुझे एक ऐसी प्लेस दिखी जो दिल को भा गई। मेरे बैक साइड में ये शानदार सी प्लेस देखकर आपको यहाँ पर आने का दिल जरूर करेगा। ये है यहाँ का एरोड्रोम नेविगेशनल सेंटर और इसके दोनों तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटी छोटी सी नदी है, लेक है, हालांकि ये आगे तक गई हुई है और पीछे यहाँ पर आपको पहाड़ भी दिखेंगे। बहुत ही प्यारी सी प्लेस है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, इवनिंग का लगभग 6:30 बज रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी एंट्री फीस नहीं है। तो मेन जो लेह है वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट के पास में पत्थर साहिब गुरुद्वारा जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको रास्ते में ये दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो मैप पे देख लेना, पर आना ज़रूर आप। लेह सिटी को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने घर से काफ़ी दूर हैं और इसकी वजह है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी डेवलप्ड सिटी से कम नहीं दिखता है। लद्दाख की प्लेसेस कवर करने के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ बाइक रेंट पर, सभी लोग इसी से घूमते हैं भाई, यहाँ पर इसी से घूमने का असली मज़ा है। ये राइड वे बाइक रेंटल शॉप है और अंदर चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर ये रही ये रेंटल शॉप और ये है भैया, आप इनसे ले सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एड्रेस भी दे दिया है जिससे आप यहाँ पर ईज़िली आ जाओगे। और जो प्राइस जनरली रहती है अगर क्लासिक 350 लेते हो तो 1000 रुपये जनरल मिनिमम रेट होता है, लेकिन ये सीज़न के अकॉर्डिंग बढ़ भी जाता है और 2500 से 3000 रुपये तक भी जाता है और 1500 में जनरल मुझे मिली है। और अगर आप बाकी हिमालयन वगैरह लेना चाहते हो तो 1700 रहता है या फिर कम, मतलब सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा भी मिल सकता है आपको, कभी कम भी मिल सकता है। आप मॉर्निंग में लेते हो, इवनिंग में आपको देना पड़ता है, लेकिन आप 3-4 दिन के लिए ले जा रहे हो तब तो आपके साथ ही रहेगी। बाकी आपको डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या देने होंगे? लाइसेंस चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। लाइसेंस और आपको आधार कार्ड देना होगा, तो लोकेशन में और कॉन्टैक्ट में दे रहा हूँ, आप आके कॉन्टैक्ट कर लेना। लद्दाख में आप हिमाचल या किसी अदर स्टेट की कॉमर्शियल बाइक नहीं चला सकते हैं और अगर आप यहाँ हिमाचल की बाइक रेंट करके ले भी आते हैं तो उसे आपको यहाँ खड़ी करके यहाँ ले से ही बाइक रेंट पर लेनी पड़ेगी। सेम केस अदर स्टेट के कॉमर्शियल कैब या टैक्सी पर भी अप्लाई होता है, लेकिन आपकी अपनी प्राइवेट नंबर की गाड़ी किसी भी स्टेट से हो वो आप यहाँ पर चला सकते हैं। इसके साथ ही आपको बाइक रेंटल शॉप से ये स्लिप भी मिलती है जो प्रूफ होता है कि आपने बाइक यहीं से रेंट की है। लेह की मेन बाजार में मैं आ गया हूँ अभी फिलहाल और इवनिंग का टाइम है, आप अगर देखोगे लाइटिंग्स वगैरह यहाँ पर आपको अच्छी खासी दिख जाएगी। यहाँ पर खाने पीने के भी ऑप्शन है, यहाँ पर शॉपिंग के भी ऑप्शन है, यहाँ पर ATM भी है, यहाँ पर बैंक भी है, यहाँ पर कैफेटेरिया भी है, कपड़े वगैरह के भी काफ़ी शॉप्स हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह के हैं, तो मतलब सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी इवनिंग में आपको यहाँ पर वॉक करने में अच्छा लगेगा, आप फैमिली के साथ आएंगे तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। लेह के मेन बाजार में आप कुछ एंटिक कपड़ों और मूर्तियों की भी शॉपिंग कर सकते हैं और मेन बाजार की ही गलियों से होते हुए आप लेह के दिल तक पहुंचते हैं, यानी कि लेह पैलेस पर। लेह पैलेस के उस पॉइंट पर मैं आ गया हूं जहां से पूरे सिटी का आपको व्यू दिखता है, या यूं कह दें
कि लेह का जो असली व्यू है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। मेरे पीछे ये बहुत बड़ा सा ये स्तूप बना हुआ है, लेह पैलेस है ये, और उसके बाद व्यू ये पूरा दिख रहा है। तो पूरे सिटी का व्यू का नज़ारा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और इधर आप देखोगे तो इधर ग्रीनरी वाला व्यू दिखेगा, और इधर आप देखोगे तो वो सूखा सूखा सा जो बिना पेड़ों वाला व्यू है वो दिखाई देगा। पर आना ज़रूर यहाँ पे, ले आपको बहुत खूबसूरत यहाँ से दिखेगा। ले पैलेस की जो एंट्री फीस है वो है केवल 25 रुपये अगर आप यहाँ टिकट खिड़की से लेते हैं। अगर ये अगर आप बार कोड है इसके थ्रू लेते हैं तो आपको केवल 20 रुपये ही देने पड़ेंगे। ले पैलेस के अंदर आपको ले का इतिहास जानने को मिलता है, जहाँ पिक्चर गैलरी है और यहाँ शाही मंदिर भी है, जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अलावा पुराने ग्रंथ भी रखे हुए हैं। ले पैलेस कुल 9-story बिल्डिंग है, मतलब कि ये 9 मंजिला इमारत है और ये ऑलरेडी काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है, और उसके ऊपर 9 मंजिल बन जाती है तो ये काफ़ी ऊंची हो जाती है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको लद्दाख के कल्चर से रूबरू कराएगी, आप लद्दाख को करीब से जान पाएंगे। यहाँ पर जो विजुअल वगैरह का रूम बना हुआ है वहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आप इमारत देखेंगे तो इमारत में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ की लोकल मिट्टी का बना हुआ है ये पूरा स्ट्रक्चर, और यहाँ से पूरा व्यू आपको दिख जाता है। तो लेह पैलेस में आना तो ज़रूर चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप लेह में आ रहे हैं, लद्दाख में आ रहे हैं, तो यहाँ के बारे में जानना ज़रूरी है। और 20 रुपये की एंट्री फीस है, सिटी में ही है, कहीं दूर आपको जाना भी नहीं है, तो यहाँ पर एक बार चक्कर ज़रूर लगा लें, आपको मज़ा ज़रूर आएगा, और कुछ नहीं तो फ़ोटोज़ तो इस व्यू के साथ शानदार आ ही जाएगी। लेह में स्टे के लिए लेह पैलेस के पास या न्यू बस स्टैंड के पास होटल लिया जा सकता है। अब मैं आ चुका हूँ शांति स्तूप पर, जो कि यहाँ की पॉपुलर प्लेस है एक और दूर से ही आपको दिख जाएगी। जो लेह पैलेस का रास्ता बिल्कुल सीधा, आप वहाँ से इधर आ सकते हैं आराम से, ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। चलते हैं, देखते हैं भाई, ये कहते हैं मोस्ट पॉपुलर प्लेस में से एक है यहाँ की। शांति स्तूप की एंट्री फीस केवल 30 रुपये है और ये रात 8 बजे तक ओपन रहता है। लेह की पॉपुलर प्लेसेस में से एक शांति स्तूप पर मैं आ गया हूँ, और मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर सा है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। बौद्ध धर्म की जो एजेंडा कह सकते हैं, उनका ये मानना होता है कि हर जगह शांति हो, और शांति की स्थापना के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। ये तो है ही खास, और इसके साथ ही साथ आप अगर इधर नज़र अपनी दौड़ाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी ग्रीनरी वाला व्यू दिखेगा। जब मैं लेह पैलेस में गया था तो वहाँ से ग्रीनरी वाला व्यू नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया शांति स्तूप पे तो यहाँ पर ग्रीनरी वाला व्यू दिख रहा है। मतलब 2-3 किलोमीटर थोड़ा आगे बढ़ के आपका पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाता है। मतलब उससे आपको कुछ और दिखेगा, यहाँ से कुछ और दिखेगा। यहाँ का कैफ़े भी शानदार है, वहाँ से बढ़िया से व्यू के साथ आप कुछ खा पी सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी सी प्लेस है, यहाँ पर ज़रूर आएँ। दूर बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, इधर तो नहीं दिख रहा है, इधर अगर आप देखेंगे तो दूर बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, और सच में मज़ा आएगा, और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने वाले तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो एंजॉय करें यहाँ पर, चाहे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मज़ा आएगा। लद्दाख के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ घूमने के लिए परमिट कैसे लेना है उसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही नुब्रा वैली, पंगोंग लेक और वर्ल्ड के हाईएस्ट पास खरदुंगला भी ले जाऊंगा। इसके अलावा यहाँ कैंपिंग कहाँ कर सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, और इस पूरी ट्रिप को कैसे सस्ते बजट में कर सकते हैं, और क्या आइटनरी आपके लिए होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।